आंध्रा में मौसम के बदलाव के कारण अस्पतालों में वायरल फीवर, मलेरिया और एलर्जी के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। घंटों लाइन में लगने के बाद ओपीडी के लिए रोगियों का नंबर आ रहा है। वहीं डॉक्टर भी मरीजों को दवा लिखने के बाद बीमारियों से बचाव के लिए टिप्स दे रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक डॉक्टर सादिक अली ने बताया कि बरसात के मौसम में लोग सर्दी, खांसी, जुकाम, मलेरिया और बुखार जैसी बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हॉस्पिटल में लोगों को दवा देने के साथ ही घरों के आसपास साफ सफाई करने और जल भराव न होने देने की सलाह दी जा रही है। साथ ही डीडीटी और ब्लीच के छिड़काव की सलाह दी जा रही है, क्योंकि गंदगी में ही बीमारी फैलाने वाले कीटाणु रहते हैं। इन्हीं से मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ होती हैं। डॉक्टर ने सलाह दी कि अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत ना रहें और लापरवाही करते रहें तो यह बीमारियां महामारी से भी भयानक हो सकती हैं। अनदेखी करने पर लोगों की जान भी जा सकती है। अस्पताल में आने वाले प्रत्येक मरीज को दवा के साथ साथ साफ सफाई करने समेत विभिन्न सावधानियां बरतने की सलाह दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।